कि DNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें। घर में नहाए खाए की चल रही थी तैयारी, खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। आग लगने के बाद घर के लोग निकले बाहर, तभी घर में सिलेंडर हो गया ब्लास्ट, बाल बाल बचे लोग। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज पहले दिन नहाए खाए की इससे शुरुआत हो गया, लेकिन गया के एक घर में नहाए खाए को लेकर तैयारी चल रही थी। घर के लोग खाना बना रहे थे, इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद घर के सदस्य भी बाहर भाग गए। जैसे ही सभी लोग घर के बाहर भागे, उसी दौरान घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में घर के सभी लोग बाल बाल बच गए। आग लगने के बाद घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने बताया कि नहाए खाए को लेकर घर में तैयारी चल रही थी, खाना बनाया जा रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के बाद काफ़ी बुझाने का प्रयास किया गया। जब आग तेज़ी से फैलने लगी तो हम लोग घर के बाहर भाग गए। जैसे सभी लोग घर के बाहर गए, तभी सिलेंडर में लगी आग ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद घर में भी आग लग गई। इस आग लगी में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये एक बेटी थी, एक बहन थी, ना एक भगनी थी, आए गो हम थे, आए गो मेरे वाइफ थे, चार गो हम लोग थे, सब बच गए, सब हम लोग बच गए। कितने बजे की घटना है? करीबन एक घंटा हो गया, पौने दस। एक साफ तलाव देवी स्थान के बगल में दलजीत जो ऑटो चालक है, उसका चाय दुकान है, उनका घर था, उसमें आग लगने के कारण एक सिलेंडर फट गया, एक सिलेंडर फटा नहीं, दरवाज़ा भी डैमेज हो गया। आज सबसे बड़ी बात है कि आज उसके क्या नहाई खाई का पर्व था। छठाने की ग्रामीणों के द्वारा हम लोग को फायर स्टेशन में जाकर बताया गया कि पोखर के पास आग लगी हुई है। उन्हीं ग्रामीणों के सहयोग से साथ में आकर यहाँ पर घटनास्थल तक आया गया। घटनास्थल पर आने के बाद जायजा लिया गया, जिसमें देखा गया कि खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर वहाँ पे दो रखा हुआ था, जिसमें एक में हल्का सा आग बढ़ गया। आग बढ़ते आग को देखकर खाना बना रही मतलब किचन में जो मतलब गृहिणी थी उनके द्वारा किचन से बाहर चला गया। इसी दरमियान क्या हुआ कि वो सिलेंडर गिर गया। सिलेंडर गिरने के बाद एक बड़ा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, दूसरा सिलेंडर वही किचन में रह गया। किचन में और भी सारा बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे रखे सभी सामान जो भी ज्वलनशील वस्तुएं थी उनमें आग आसानी से पकड़ ली और एक सिलेंडर बिल्कुल मतलब फट कर पूरा रद्दबद हो गया। दूसरा सिलेंडर को सुरक्षित निकाला गया, दूसरे सिलेंडर में भी गैस भरा हुआ था, लेकिन उसको सुरक्षित बचा कर निकाल लिया गया हमारे घर।